महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक निजी स्कूल के मालिक के खिलाफ कथित तौर पर आदिवासी समुदाय के कुछ छात्राओं को पर्यटकों के सामने नृत्य करने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। ये घटना कथित तौर पर 31 मई से 14 जून के बीच त्र्यंबकेश्वर तालुका के पाहिने गांव में सर्वहारा परिवर्तन केंद्र द्वारा संचालित अंग्रेज माध्यम के विद्यालय में हुई। आइए देखें हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में आश्रम स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को रिसोर्ट में ले जाकर सैलानियों के सामने नृत्य करने का मामला सामने आया है। इस बारे में इन छात्राओं के परिजनों ने वाड़ीवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद आश्रम स्कूल के कुछ लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। इन छात्राओं को नृत्य करने के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की क्या भूमिका होगी? आपको बता दें, स्कूल से लगा हुआ छात्रवास है। एक छात्रा के माता पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उनकी कक्षा 7 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बेटी ने 14 जून को उन्हें फोन किया और बताया कि उसे और उसके कुछ दोस्तों को रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के लिए डांस करने के लिए कहा था। छात्रा ने अपने माता पिता को बताया कि अगर वे ऐसा करने से इनकार करते थे तो एक शिक्षिका उन्हें छड़ी से पीटती थी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। वाडीवरे पुलिस स्टेशन च्या हद्दी मध्ये सर्वहारा परिहार केंद्र चिखलवाड़ी ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि ह्या संस्थेमध्ये एक वसतिगृह आहे। त्या वसतिगृहामध्ये 8वी 9वीच्या मुली राहायला आहेत, 32 मुली। तर त्या मुलींना जबरदस्तीनं डान्स करायला लावला आणि डान्स केला नाही तर छडीने मारहाण केली अशी तक्रार त्यातील एका मुलीच्या पालकांनी वाडीवरे पोलीस स्टेशनला दाखल केली होती आणि त्यानुसार ज्युवेनाइल जस्टिस ऍक्ट कलम 75 आणि ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तपास चालू आहे। कोणाचा? त्या पदाधिकारी आहेत संस्थेचे। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।